इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 2x माइनस 9. तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 2x माइनस 9. एलसीएम ले लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 3. तो अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाए. तो इट मींस हमें माइनस सिक्स को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, 1 इंटू माइनस 27 के इक्वल हो जाए. तो हम वो कैसे कर सकते हैं, माइनस सिक्स को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस ऑफ 9 प्लस 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 27 है और क्या हो जाएगा उस केस में, मतलब माइनस 9 इंटू 3, माइनस 9 इंटू 3 इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 6 की वैल्यू आ जाती है. तो हम इस तरीके से इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को लिखेंगे हम माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 और अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू 3. नाउ अब x इसमें से मैं कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 9 प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन आएगी x माइनस 9 अपॉन में आ जाएगा क्या हमारे पास में 3. अब टर्म्स में से हम क्या कॉमन कर ले सकते हैं, x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 9 इंटू x प्लस 3 अपॉन 3. तो हमारा आंसर क्या आया, x माइनस 9 इंटू x प्लस 3 अपॉन 3. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये हमारा फैक्टर्स होगा इस क्वेश्चन के.